आज जो कथा सुना रहा हूं वो पंच तत्वों में सम्मिलित एक ऐसे तत्व की है जिसके बिना ये सृष्टि संभव ही नहीं है, यानी कि वायु, जिसे भारतीय संस्कृति में प्रत्यक्ष देवता माना गया है। आज की कथा हम सब की सांसों को अपनी उपस्थिति से संभव बनाने वाले वायुदेव और उनके परम प्रिय पुत्र, आप सब जानते हैं, हनुमान पर आधारित है। जरा सोचिए कि अपने आराध्य प्रभु श्री राम के असंभव कार्यों को पल भर में संभव कर देने वाले परम शक्तिशाली हनुमान जी का बचपन कैसा रहा होगा। हनुमान जी का बचपन बिल्कुल वैसा ही था जैसा आज के समय में हमारे आपके घरों में खेलने वाले तेजस्वी बच्चों का होता है। आज की भाषा में वे शैतान और नटखट बच्चे थे। उनका जन्म वायुदेव के आशीर्वाद से हुआ था, इसलिए उनमें वायु जैसी गति थी, और गति के साथ साथ वायु का एक और प्रबल काम है, वो है चंचलता। उनमें वो चंचलता भी थी। एक बार माता अंजना, वे सुबह सुबह कहीं व्यस्त थी और बच्चे को कुछ खाने के लिए देने में थोड़ी देर हो गई। कौतूहल से भरे हनुमान जी भूख में खेल रहे थे तो उनकी दृष्टि दूर आकाश में स्थित उग रहे सूर्य पर पड़ी। उन्हें लगा कि यह तो कोई सुंदर सा फल मालूम होता है, माँ ऐसे ही फल लाकर देती है, आज माँ कहीं व्यस्त है तो हम खुद ही फल ले लेते हैं। उन्होंने अपने अंदर की शक्ति लगाई और फल को खाने के लिए निकल पड़े। वायु के वेग से आकाश में चले गए, क्योंकि पिताजी थे वायु। तो अनंत ऊंचाइयों को पार करने के बाद उन्होंने सूर्य को निगल लिया। बाल समय रवि बख्श लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। जब ये बात देवताओं के राजा इंद्र को पता चली तो उन्होंने हनुमान जी से सूर्य को वापस उगलने का आदेश दिया। और बच्चे को राजा और फकीर से क्या मतलब, राजा होंगे अपने घर के। तो उन्होंने इंद्र का भी मजाक उड़ाया कि ले ले निकाल ले। अब ऐसे किसी इंद्र का कोई बच्चा मजाक उड़ा दे तो राजा लोग कितने अहंकार से भर जाते हैं, वह इंद्र के साथ हुआ। वो क्रोध से भर गया, उसने हनुमान जी की ठोड़ी को निशाना बनाकर दुनिया का सबसे घातक अस्त्र वज्र चला दिया। वज्र के प्रयोग से परम शक्तिशाली बाल हनुमान भी मूर्छित होकर गिर गए। वो चूंकि हनुमान थे सिर्फ मूर्छित हुए, कोई और होता तो सृष्टि नष्ट हो जाती। इंद्र ने उनके मुख से सूर्यदेव को मुक्त करा लिया। सूर्य भगवान के मुक्त होते ही पूरी सृष्टि वापस उजाले में लौट आई। लेकिन इस क्रम में एक और भयंकर समस्या खड़ी हो गई। ये सूचना जैसे ही हनुमान जी के पिता वायुदेव को मिली, उन्हें भयंकर क्रोध आया। उन्होंने क्रोध से भरकर अपनी गति को तुरंत रोक लिया। वायुदेव के गति रुकते ही सारे संसार में हाहाकार मच गया। लोग सांस लेने के लिए तड़पने लगे, पेड़ पत्ते कुम्हाने लगे, हर ओर जीवन समाप्त होने की दिशा में जाने लगा। यह देखकर देवता फिर परेशान हो उठे कि एक समस्या से निकले थे दूसरी आ गई। देवता अंत में जाते कहां पर हैं, ब्रह्मा जी के पास। वहीं पहुंचे कि प्रभु अब ये नया समस्या हो गई। प्रजापति ब्रह्मा ने मूर्छित पड़े हनुमान के पिता वायुदेव को बुलाया। ब्रह्मा जी ने एक बड़े नैतिक न्याय प्रिय व्यक्ति के नाते, एक न्याय प्रिय देवता के नाते क्रोधित वायुदेव का भी पक्ष जानना चाहा। क्रोध से भरे वायुदेव ने बताया कि प्रभु हनुमान तो अबोध बालक है, उसने किसी बुरे इरादे के साथ तो सूर्य भगवान को निगला नहीं था, ये तो उसके अंदर बाल सुलभ जिज्ञासा थी और भूख थी, तो उसके मन में जो आया उसने वो किया और उसने फल समझकर सूर्यदेव को निगल लिया। ब्रह्मा जी के आदेश पर पहले तो इंद्रदेव ने सबके सामने वायुदेव से सादर क्षमा याचना की। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई अब तो इंद्र से गलती हो गई, तो मैं तुम्हारे बालक को आशीर्वाद देता हूं कि इस वज्र का कोई भी प्रभाव तुम्हारे बच्चे पर नहीं पड़ेगा, तुम्हारा बच्चा अजर रहेगा और अमर रहेगा। वायुदेव को प्रसन्न करने के लिए बाकी देवता भी हनुमान जी को आशीर्वाद देने में लग गए। सबसे पहले इंद्र ही आगे बढ़े और उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, मेरे वज्र के कारण तुम्हारी ठुड्डी हनु को थोड़ा नुकसान पहुंचा है, लेकिन मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि पूरे विश्व में तुम्हारा मान तुम्हारा ये हनु ही बढ़ाएगा और आज से तुम हनुमान के नाम से जाने जाओ। और उसी दिन से पवन पुत्र का नाम हनुमान हो गया। इंद्र ने उन्हें यह भी आशीर्वाद दिया कि न केवल हनु बल्कि तुम्हारा पूरा शरीर वज्र के समान ही कठोर और मजबूत कवच जैसा हो जाएगा। वहां अग्निदेव भी उपस्थित थे। अग्निदेव ने आगे बढ़कर वायुदेव को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी को यह आशीर्वाद दिया कि मेरी अग्नि की ज्वालाएं तुम्हारा कभी कोई नुकसान नहीं कर पाएंगी। जल के देवता वरुण भी वहां मौजूद थे,
उन्होंने कहा तुम्हें जल में भी श्वास लेने में सक्षम होने का वरदान मैं प्रदान करता हूं। अपने पुत्र को सभी देवताओं द्वारा इतना आशीर्वाद मिलता देखकर एक सामान्य पिता की तरह वायुदेव भी बहुत प्रसन्न हो गए और वे अपने कर्तव्य पर वापस लौट गए। उनके कर्तव्य पर वापस लौटते ही एक एक श्वास के लिए तड़पती हुई सृष्टि फिर से खुशहाली की तरफ आ गई। लोग बाओं के जीवन में उत्साह आ गया। ये तो थी कथा, इसका सार क्या है? और स्वर्ण स्वर भारत के इस मंच पर मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि हम किसी पश्चिम की ऐसी संस्कृति में पैदा नहीं हुए जहां ईश्वर के बाग में लगे हुए फल को जिज्ञासावश खा लेने पर पूर्वजों को बेदखल किया जाता हो। हम उस संस्कृति में पैदा हुए जहां एक छोटे बच्चे द्वारा सूर्य के निगल लिए जाने पर भी पूरी सृष्टि उसे आशीर्वाद देती है, उसे शक्तिशाली बनाती है। और ये कथा जो मैंने आज सुनाई है यही सिखाती है कि बचपन को थोड़ा उन्मुक्त छोड़ दीजिए। इस कथा का यही सार है।